आप देख रहे हैं सियासत। सियासत की दुनिया में कौन कब बाजी मार ले कहा नहीं जा सकता, ऐसा ही कुछ त्रिपुरा में देखने को मिला जब बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए। बता दें कि माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे मृदुभाषी के खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे अचानक माणिक शाह त्रिपुरा के नए सीएम चुने गए। अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आलाकमान ने माणिक शाह पर बड़ा दाव लगाया है। दरअसल बिप्लब देब को लेकर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वहीं बीजेपी विधायक भी उनसे खफा बताए जा रहे थे। इसके अलावा देब के विवादित बयानों के चलते भी पार्टी की फजीहत हो रही थी। ऐसे में बीजेपी ने माणिक शाह, जो कि त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी है, उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है। त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष और त्रिपुरा के होने वाले मुख्यमंत्री माणिक शाह पेशे से डेंटिस्ट हैं। शाह ने इस साल की शुरुआत में त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सीट जीती थी। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शाह को 2020 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। शाह ने बिप्लब कुमार देब की जगह ली थी, जिन्होंने 25 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करते हुए 2018 में भगवा पार्टी को शानदार जीत दिलाई थी। सीएम बनने के बाद शाह ने कहा, हम पीएम मोदी और बीजेपी के विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम त्रिपुरा के लोगों के मुद्दों को हल करने के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था को भी बढ़ाएंगे। हमारे लिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। बता दें, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चमचमाते दरबार हॉल में एक सादे समारोह में शाह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शाह ने अकेले ही शपथ ली, क्योंकि मुख्यमंत्री के अचानक बदलने के बाद विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर कथित असंतोष के कारण पार्टी ने अभी तक उनके कैबिनेट सदस्यों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। तो यह थी माणिक शाह की त्रिपुरा के सीएम बनने की पूरी कहानी। ऐसी सियासी कहानियों के लिए देखते रहिए सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।